हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, फाइनली BHU की तरफ से CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, फाइनली BHU ने SET 2022 के लिए बुलेटिन लॉन्च कर दिया है और आप इसे BHU के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है BHUonline.in पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं कि क्या बुलेटिन आया है। तो यहाँ पर देखिए, हम BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया हुआ है स्कूल एडमिशन 2022 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो इसे आप डाउनलोड करिए। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा BHU की तरफ से आया हुआ अपडेट। इसमें आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपके ऑनलाइन फॉर्म के लिए बताया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी आप 1 अप्रैल से अपने ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं, यानी आज ही से। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट डेट कब है ऑनलाइन फॉर्म भरने का? 30 अप्रैल। ठीक है, यानी 30 अप्रैल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए फॉर्म भरते समय आपने कोई गलती कर दी है, तो आप 2 मई से लेकर 7 मई तक आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी का डेट यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ यहाँ पे दिया जा रहा है कि टेंटेटिव डेट ऑफ ई लॉटरी फॉर क्लास 6 एंड 9th जो कि 28 मई 2022 को है। इसका मतलब इस साल भी आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, इस साल भी एडमिशन लॉटरी के थ्रू ही होने वाला है क्लास 6 और 9th का। यहाँ पर देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर जो सेकेंड नंबर पॉइंट है वो इसी के लिए है कि इस साल भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। बहुत ही बेकार न्यूज़ है ये। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो बहुत ही बुरा होगा ये न्यूज़, लेकिन जो न्यूज़ आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, उसमें बताया जा रहा है कि जो मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट है, यानी जो लॉटरी का मेन और वेटिंग लिस्ट है, वो 30 मई तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 11th के लिए बताया गया है, और इस साल भी क्लास 11th में मेरिट बेस्ड ही एडमिशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्लास 10th का मार्कशीट जो है अपलोड करने का डेट दिया गया है जो कि है 30 जून। ठीक है, यानी 30 जून तक आपको क्लास 10th का मार्कशीट जमा करना है, अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखिए काउंसलिंग के जो डेट्स हैं वो दिए हुए हैं, तो इसे एक बार आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे देखते हैं, यहाँ पे स्कूल के बारे में कुछ बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे एज क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है, तो इसे आप एक बार देख सकते हैं, तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इस साल कितने सीट्स हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। फिर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जनरल नोट, ये सब छोड़ते हैं, आगे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ़ सिलेक्शन के बारे में बताया गया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साल एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, अब मुझे रीज़न पता नहीं है कि क्यों एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। इस साल ना कोविड है, ना कुछ है, ना इलेक्शन है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। मुझे एक रीज़न लग रहा है क्योंकि इस बार BHU में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि जो कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है उसके थ्रू BHU में भी एडमिशन होने वाला है। तो हो सकता है कि BHU अपना एंट्रेंस खुद नहीं ले रहा है, तो CHS का भी वो कंडक्ट नहीं करा रहा हो। हो सकता है कि अगले साल से CHS अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद से कंडक्ट कराए, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस साल जो है एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जो कि बुलेटिन में आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, क्लास 6 का लॉटरी के थ्रू होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा क्लास 11th का देखें तो यहाँ पे क्लास 11th के लिए भी बताया गया है। क्लास 11th का आपके क्लास 10th के मार्क्स के बेसिस पे होगा, यहाँ पे देखिए बताया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ क्लास 10th। ठीक है, तो ये एक तरह से तो बहुत बुरा न्यूज़ है। जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो बहुत ही बुरा है। यहाँ पर और नीचे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन आपको बताया गया है। और यहाँ पे नीचे देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि आपको परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे कि पिछले साल हुआ था, वैसे ही सेम इस साल भी होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार अपने से इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म में भी इस बार चेंजेस है। एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी जो है इस बार SC ST के लिए 200 और जनरल और OBC के लिए 400 रुपये, यानी इस बार फॉर्म फ़ी में चेंजेस है। कुछ फॉर्म फ़ी कम किया गया है, पहले ये 300 और 600 था, लेकिन इस बार 200 और 400 कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट जो है, यहाँ पर इसे भी आप देख सकते हैं, आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो मेन न्यूज़ था मैंने आपको बता दिया, जो मेन अपडेट था मैंने आपको बता दिया, बाकी आप इसको एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, आगे जो भी अपडेट आते रहेंगे आपको इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। ठीक है।